तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बन के तीन एलेक्ट्रोपो डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरस के बारे में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसे समझेंगे बचपन से ही हम लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि किस तरह से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा हमारा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा हमारा, हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आज उस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी है उसकी इम्पॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है क्यों हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अर्थात कार्बन चैप्टर को पढ़ें क्या इसके पीछे मकसद छिपा है उस चीज़ को भी हम लोग देखने वाले हैं तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहा जाता है उसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल बने हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों ही तत्वों से सिर्फ मिलके बने हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से हो गया और कार्बन का मतलब जानते हैं ये इलिमेंट हमारा है तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से ही सिर्फ मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन को भी इंक्लूड करता है और उसके डेरिवेटिव को भी इंक्लूड करता है एज फॉर एग्जांपल मीथेन सी एच फोर इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसलिए मीथेन को हम लोग एक हाइड्रोकार्बन कहेंगे लेकिन अगर इस मीथेन में से चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें कोई दूसरे एलिमेंट से मान लेते हैं क्लोरीन से कर दिए तो यहाँ पे क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफ्रेंसन क्या हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हाइड्रोकार्बन हैं और उनके द्वारा जो डेरिवेटिव्स पैदा होते हैं वही टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कहे जाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे हमारे पास इथेन है सी टू एच सिक्स ये हमारा इथेन है इसमें चूँकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसलिए ये एक हाइड्रोकार्बन कहलाया ये हमारा हाइड्रोकार्बन है जितने भी हाइड्रोकार्बन है सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होंगे डेरिवेटिव करने का मतलब अगर उस हाइड्रोकार्बन में से कोई चीज़ हटा के कोई दूसरा चीज़ उसमें पुट कर दें तो जो कंपाउंड नया बनेगा उसे हम लोग उस हाइड्रोकार्बन का डेरीवेटिव कहेंगे जैसे कि सी हमारा एक हाइड्रोकार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके आप कोई दूसरा चीज़ लगा दें एज फॉर एग्जाम्पल सी एस थ्री लगा दें तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का है कहा जाएगा एंशियन uh, टाइम में क्या होता था कि इतने नॉलेज नहीं आने की वजह से उन्होंने कहा कि uh, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स कहे जाते हैं कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स को छोड़ करके जिनको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं जैसे कि आपके मन में सवाल होगा कि सी वो टू यहाँ पर भी कार्बन है तो इसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे कि या नहीं कहेंगे उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे या नहीं कहेंगे उसी प्रकार से हमारे पास सी ए सी ओ थ्री है कैल्शियम कार्बोनेट है उसी प्रकार से हमारे पास सी एच सी ओ थ्री का होल ट्वाइस है कैल्शियम बाई कार्बोनेट है तो क्या इन सबको हम लोग बाई कार्बोनेट्स कहें क्या इन सबको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे तो हमारा आंसर होगा नहीं इन सबको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सक्लूड करके रखते हैं वजह यह है कि क्योंकि इन सब का जो नेचर है जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता नहीं है अभी हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इससे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसमें जैसे कि कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोग अंतर कर सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके आधार पर उनमें डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों पढ़ें इस चैप्टर को क्यों पढ़ें क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कम्पाउंडस की उस चीज़ को हम लोग समझेंगे तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स तो बेसिकली हमारा डिफिनेशन हो गया बहुत तरह तरह के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लगभग दस लाख से भी ज़्यादा हमारे पास टेन मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आज हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल हैं उनको बनाया जाता है कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन से चूंकि मिल के बने हैं इसलिए इन सब को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे ब्यूटेन डेकेन ईथेन हैपटेन हैक्सन मीथेन नॉन ऑक्टेन पेंटेन प्रोपेन ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन के ही एग्ज़ाम्पल हैं अगर हम इन सभी में से कोई चीज़ सब्सटीट्यूट कर दे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट लगा दे तो वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा तो इस ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव को मिला करके कहते हैं Derivative ऑफ हाइड्रोकार्बन ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कम्पाउंड इन सब के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हम हम लोग सभी हाइड्रोकार्बन और डेरीवेटिव ऑफ़ हाइड्रोकार्बन का नॉमन सीखेंगे किस तरह से नामकरण करते हैं उस चीज़ को भी सीखेंगे बस आपको ये समझना है यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं तो आपने समझ लिया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो और ऑर्गेनिक कम्पाउंड का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन एंड दे डेरीवेटिवस तो अब समझते हैं हम लोग कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था और जो इनऑर्गेनिक कम्पाउंड थे उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं तो सबसे ज़रूरी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हम लोगों ने देखा था कि कार्बन का रहना एकदम एटमोस्ट एक निश्चित क्राइटेरिया था हालाँकि आप आगे बढ़ेंगे कि कार्बन का होना एक एटमोस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता क्योंकि कार्बन हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में भी रहते हैं लेकिन उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं रखा जाता है तो ओवरऑल कहा जाए तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन अवेलेबल होता है चूँकि हम लोगों ने देख चुका है कि कार्बन को कोवलेंट बॉन्ड बनाना बहुत ही पसंद है इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जनरली आप देखते होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वहीं दूसरी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है अभी हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड उनमें पाया जाता है जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें एन हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है एम जी सी एल टू इसमें भी क्या पाया जाता है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसी तरह से आप सी ए सी ओ थ्री ले सकते हैं एम जी सी ओ थ्री ले सकते हैं तो ये हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो चूँकि आयनिक कंपाउंड्स में या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लस और माइनस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा काफ़ी उच्च होगा काफ़ी हाई होगा वहीं दूसरी ओर चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉवलेंट बॉन्ड है इसलिए उनमें चूँकि उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफ़ी कम होगी और चूँकि कोबोलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं तो इनकी जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में बहुत ही कम होगी मतलब ये जनरली जनरली यहाँ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस बात का ध्यान देंगे कि कुछ ज़रूर एक्सेप्शन होंगे तो जनरली जो हमारे कोबोलेंट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसोलिबल होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चूँकि आयंस बनते हैं इस वजह से वो पानी में सोलबल होते हैं क्योंकि पानी भी हमारा क्या है पोलर नेचर का होता है उसी तरह से अगर चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पानी में घुलनशील तो नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील हैं जैसे कि सी सी एल फोर या बेंजिन तो उनमें ये पूरी तरह से सोलबल हो जाते हैं क्योंकि ये भी नॉन पोलर हैं और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जनरली नॉन पोलर नेचर के होते हैं तो नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व कर लेगा और पोलर लाइक्स पोलर डिजोल्वस इन पोलर ऐसा हम लोग रूल भी देख चुके हैं उसके बाद जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं लेकिन जनरली हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल नेचर के नहीं होते हैं चूँकि यहाँ पर कोबलेंट बॉन्ड में कार्बन एटम अपना सारा इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको बॉन्ड बनाने में खपत कर देता है तो जनरली आप देखते होंगे कि हमारा जो कोबोलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है मोल्टेन और एक्वस स्टेट में मोल्टेन और एक्वस स्टेट में जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आ, से करंट पास कराते हैं तो उनसे करंट का फ्लो होने लगता है लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं कि जनरली हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फ्लेमेबल नेचर के होते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनफ्लेमेबल नेचर के होते हैं तो ये कुछ बेसिक डिफ्रेंसेज थे जिनसे हम लोग बायफार्केट कर सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अभी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे साथ ही साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये हमारे इन ऑर्गेनिक कम्पाउंडस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कार्बोनेट कैल्शियम के मैग्नीशियम के बहुत सारे कार्बोनेट्स होते हैं सोडियम के भी कार्बोनेट्स होते हैं लिथियम के भी कार्बोनेट्स बहुत सारा के बहुत तरह तरह के मेटल के कार्बोनेट आप ले लें सारे के सारे जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो सारे हमारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस के अंतर्गत आते हैं सल्फेट्स ले लें मेटल के सल्फेट ले लें जैसे कि एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फ़ेट एम जी एस ओ फोर मैगनीशियम सल्फ़ेट तो ये सारे हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आप नाइट्रेट ले सकते हैं जैसे कि के एन वो थ्री पोटेशियम नाइट्रेट एन एन वो थ्री सोडियम नाइट्रेट ये सारी हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अब हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं जैसे कि एन ए वो एच के वो एच आर बी ओ एच ये हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आप सिलिकेट्स ले सकते हैं आप उनके ऑक्साइड्स ले सकते हैं जैसे कि सी वो सी वो टू एस आई वो टू तो तरह तरह के हमारे पास ऑक्साइड्स हैं ये सारे हमारे क्या है? Inorganic compounds हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसी तरह से आप बहुत सारे बहुत तरह के सॉल्ट्स ले सकते हैं बहुत तरह के सॉल्ट जैसे कि एन नमक हमारा क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है के सी एल आर बी सी एल सी एस सी एल तो ये हमारे क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं बहुत तरह के एसिड्स हैं जिन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जैसे कि एस टू एस ओ फोर हमारे पास एस सी एल है उसी तरह से आपका एच एन वो थ्री हमारे पास बहुत सारे के बेसिस हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने बेसिस के बारे में देखा था एन ए वो एच के वो एच सॉल्ट हमारे पास और भी हैं जैसे एम जी सी एल टू सी ए सी एल टू ए एल सी एल थ्री तो ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसी प्रकार से आप कार्बन के बहुत सारे एलेक्ट्रॉप्स होते हैं जैसे कि अभी आपने देखा था डायमंड ग्रेफाइट एंड फोल्डिन तीन तरह के क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन क्रिस्ट होते हैं कार्बन के तो ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे उसी तरह से बहुत तरह के हमारे पास सल्फाइड्स हैं जैसे कि एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड उसी तरह से एन ए टू एस एन ए टू एस सोडियम सल्फाइड ये सारे हमारे सल्फाइड्स के हैं उसी तरह से हमारे पास बहुत सारा मेटल कार्बोनिल्स है अब इनके बारे में हायर हर में पढ़ेंगे ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो बेसिकली आपको आप, कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कुछ कुछ कंपाउंड जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको याद रखना है जैसे कि सोडियम कोलाइड हमारा इनऑर्गेनिक है एस सी एल एच टू एस ओ फोर ये हमारे इनऑर्गेनिक हैं उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सी ए वो एच का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना ये हमारा ये हो गया कली चूना ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसी प्रकार से हमारे पास जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या फिर हम लोग एन एच टू एन एच टू एन एच फोर ओ सी साइनेट ले लें ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये सारे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको याद रखना है डायमंड है तो इनको भी आपको याद रखना है ये सारे हमारे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इम्पॉटेंस को देखते हैं साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इम्पॉटेंस की बात करें तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि हम लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों में हमारे पास उसमें कार्बन अवेलेबल है कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो खाने पीने से चीज़ें लेकर के या फिर इस्तेमाल की जाने वाली डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि फूड जितने भी तरह के फूड हैं जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन उसमें ज़रूर मौजूद है कार्बन से मिलकर बना है जितने भी फैट्स हैं उसमें कार्बन है प्रोटीन्स एंजाइम सभी में कार्बनस अवेलेबल है जितने तरह के कपड़े पहनते हैं हम लोग उसमें कार्बन अवेलेबल है जैसे कि कॉटन के कपड़े सिल्क के कपड़े ऊन के नायलोन रेन डेकरोन के कपड़े सभी में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं उस तरह से जितने भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहे कोयला हो लकड़ी हो सी हो एल हो उन सब में क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रजेंट रहता है उसी तरह से जितने भी मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत तरह के हैं जैसे कि पेनिसिलिन अस्टेप्टोमाइसिन मॉर्फिन आइडोफोम और कोखीन और सल्फा ड्रग्स जितने भी हैं हमारे वो सब में क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहता है जितने भी तरह के बॉम्ब्स हैं एक्सप्लोसिव हैं विस्फोटिक विस्फोटक पदार्थ हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद रहता है एज़ फॉर एग्जाम्पल टी एन बी ट्राइ बेंजिन एमोनियम नाइट्रेट जो कि हाल फिलहाल में विस्फोट किया था नैट्रोगसरीन सब में क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं जितने भी तरह के रंग बिरंगे जो कपड़े और जो चीज़ें देखते हैं हम लोग उनमें सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे कि इंडिगो कलर मेलाचाइट ग्रीन एलिजरीन सब में क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं उसी तरह से जितने भी कीटनाशक हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि डी डी गेमैक्सिन मैराथन सब में क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मेलथाइन यहाँ पे होगा मेलथाइन ये हमारे क्या इसमें है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जितने भी तरह के हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है उसी तरह से हमारे पास जितने भी डिटर्जेंट्स हैं पेपर जिसमें हम लोग लिख रहे हैं उसमें भी क्या है वो अभी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है रबर प्लास्टिक लीदर रेजिस् जितने भी इंक्स हैं पेंट्स हैं वार्निसेज हैं फोटोग्राफिक फिल्स हैं सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोलबाला है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई दुनिया का ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कार्बन ना मौजूद हो तो आप समझ सकते हैं कितनी इसकी मेजोरिटी में इम्पॉर्टेंस है कितना इन, इनका महत्व है हमारे लाइफ में तो इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इनके बारे में जानेंगे तभी हम अपनों अपने जीवन को एक जागरूक दिशा की तरफ और एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे हमारे जीवन का हिस्सा हैं ये एक लाइफ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लाइफ कह सकते हैं लाइफ लाइन कह सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन मानव जाति का ही नहीं पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरे ऑर्गेनिज्म का ये क्या है एक लाइफ लाइन है इनके बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं आई होप इस तरह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना आ गया हो क्या क्या एक्सेप्शन थे उस चीज़ को समझ लिया आपने और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को भी समझ लिया अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थैंक यू